प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके चर्चा की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री की वीसी में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रधानमंत्री को कई सुझाव भी दिए गए। केंद्र की ओर से राज्यों को विशेष पैकेज देने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रखी गई। इसी के साथ लॉकडाउन खोलने का जिम्मा राज्यों के ऊपर छोड़ने का सुझाव भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वो अपने राज्यों में लॉकडाउन खोलने की नीति बनाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की, जिसे लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास सबसे अधिक सूचनाएं होती है। प्रधानमंत्री अपने अनुभव के आधार पर इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अच्छा कार्य कर रही है। देखिए, जितना ज्यादा इनपुट सूचनाओं का प्रधानमंत्री जी के पास रहता है, देश में किसी के पास नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं, उनके पास जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बात करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी हुई है, उसमें खुल के तारीफ की उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए, जो कदम उठाए गए कोविड के मैनेजमेंट के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये कहा कि राजस्थान ने एक उदाहरण पेश किया है और इसका अनुसरण सबको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब उनकी अनुभव के आधार पर जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो क्योंकि सारे राज्य मिलकर उनके नेतृत्व में इस महामारी से लड़ रहे हैं और उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की इन दिनों में, तो कुल मिला के जो हमने चाहे स्टेप्स उठाए राजस्थान में कोविड को कंट्रोल करने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने उठाए, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री जी के पास है। और उन्होंने कहा आलोचना भी होती रहती है, तो आलोचनाएं होती रहे, लेकिन हमें अपना काम अपने तरीके से करना है और हम कर रहे हैं।